नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, विभिन्न रेलवे रूटों पर शॉर्ट कनेक्टिविटी के उद्देश्य से रेलवे द्वारा छोटे रूटों की संभावना तलाश की जाती है, जिससे कि लंबी दूरी को कम किया जा सके। इसी कड़ी में राजस्थान के 12 शहर से शिवपुरी को जोड़ने के उद्देश्य से 2011-12 के रेल बजट में सर्वे हेतु स्वीकृत किया गया तथा जिसका सर्वे वर्ष 2013-14 में संपन्न हुआ। इस प्रस्तावित रेलवे लाइन का सर्वे 12 से किशनगंज, भंवरगढ़, रामपुरिया, कलवारा, समरिया, गदरेता, खुशलपुरा और हिंडोला के रास्ते होकर कोलारस तक नई लाइन के लिए किया गया। कोलारस से यह ग्वालियर, शिवपुरी, गुना लाइन में जाकर मर्ज हो जाती। 150 किलोमीटर लंबी नई लाइन डालने के उद्देश्य से पूरी जानकारी रेलवे विभाग द्वारा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति तथा पटरी बिछाने संबंधित आकलन, यातायात, माल भाड़े की संभावना आदि के साथ पटरी बिछाने के बाद रेल चलाने तथा होने वाले लाभ या हानि का आकलन किया गया। करीब 150 किलोमीटर नई लाइन को 972 करोड़ रुपए की लागत से बिछाया जाना था। वहीं इस सर्वे का परिणाम निराशाजनक रूप से प्रतिकूल आया, जिसमें कि नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न तथा हानि बताते हुए रेलवे बोर्ड के द्वारा उक्त परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिस पर वर्तमान में भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उत्तर प्रदेश व राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ने के लिए एक और लाइन झांसी शिवपुरी सवाई माधोपुर का सर्वे भी इसके साथ में ही किया गया था, जिसकी जानकारी हमने आपको पूर्व में दी थी। उपरोक्त सर्वे पूरा होने के बाद रेलवे ने उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद उसका फिर से सर्वे वर्तमान में जारी है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। इससे भी 290 किलोमीटर की लंबाई की रेल लाइन के द्वारा दूरी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। वहीं राजस्थान के 12 से शिवपुरी की रेल लाइन के रेलवे बोर्ड में अस्वीकृत होने के बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने शिवपुरी होकर जाने वाली झांसी सवाई माधोपुर नई रेलवे लाइन के लिए शीघ्रता से सर्वे किए जाने तथा इसे किसी भी हाल में स्वीकृत किए जाने का अनुरोध भारत सरकार से किया है। इसके द्वारा करेरा ITBP सहित शिवपुरी में CRPF के जवानों के आवागमन का लाभ तो होगा ही, साथ ही तीन राज्यों को जोड़ने वाली यह लाइन तैयार होने से क्षेत्र में रोजगार, उद्योग तथा आवागमन के नए रास्ते विकसित हो जाएंगे। यह सर्वे पश्चिम मध्य रेलवे तथा उत्तर मध्य रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। आने वाले समय में यदि यह सर्वे झांसी सवाई माधोपुर वाया शिवपुरी शिवपुर रेल लाइन का सर्वे रेलवे बोर्ड से पास हो जाता है तो शिवपुर तथा शिवपुरी दोनों रेलवे स्टेशन जंक्शन बन जाएंगे। वर्तमान में शिवपुर कला ग्वालियर नैरोगेज का काम काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, लेकिन भविष्य में उसके कोटा तक विस्तार होने से भी क्षेत्र में प्रगति के नए आयाम स्थापित हो जाएंगे। यह आने वाले समय की बात है, हमें सकारात्मक रूप से इसके बारे में सोचना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि इस सर्वे का नतीजा कब तक सामने आता है। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।